तक मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने खाने में क्या क्या बनाया है आज। पूजा करके कुछ देर बैठी हुई थी, ये रहा आज भगवान जी का प्रसाद जो हमने चढ़ाया था। एक्चुअली अब तक ये भगवान जी का था, अभी प्रसाद बन चुका है, अभी हमारा है। किस किस को पसंद है चौम चौम मुझे ज़रूर बताइएगा। कहते हैं जो जो मिठाई मतलब इंसान को पसंद होता है, मिठाई बोलो फ्रूट्स बोलो, वही भगवान को चढ़ा देते हैं क्योंकि बाद में वही खाने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मन किया भगवान को चढ़ाने का, सो ये है बात। गुड आफ्टरनून, आज है नेक्स्ट डे एंड कल रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बोला था कल पंचायत दो एपिसोड बाकी था, लास्ट वाला एपिसोड मुझे लगता है एक घंटे का था करीब, और दो एपिसोड फिनिश किया, फिर उसके बाद उसी को लेके थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाता है ना। सो ये सब करते करते कल सोते सोते लेट, आज भी उठते उठते लेट, और उनका ऑफिस था इसलिए मैं ना एकदम भी टाइम वेस्ट नहीं किया, उठते ही खाना वाना बनाया। बहुत सिंपल खाना बनाया है लेकिन फिर भी खाना बनाना, टिफ़िन बनाना, ये सब करते करते सुबह ब्लॉग को मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई। जस्ट पूजा करके अभी बैठी हूँ आपके साथ, दो मिनट बातें कर लूँ फिर उसके बाद खाना वाना खाऊँगी। मुझे जितना लगता है ये पंचायत का जो पहला जो सीज़न वन एंड सीज़न टू ना बेस्ट था, ये सीज़न थ्री भी बहुत अच्छा है लेकिन कंपेयर टू सीज़न वन एंड टू थोड़ा सा मतलब ये लगा। बाकी बाद सीज़न फोर और सीज़न फाइव भी आएगा आई गेस। सो यह बात, इसके लिए हमें बहुत लॉन्ग इंतज़ार करना पड़ा और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ आनू, तू जब ट्वेल्थ देगी उसके बाद ही जाके पंचायत सीजन फोर हम देख पाएंगे। सो यह बात, बट हाँ ये आप बोल ही सकते हो बहुत इन्जॉय किया, बहुत हंसी आई लास्ट वाला सीज़न देखने में। सो आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हो जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है, और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख लो, बहुत अच्छा लगेगा। पंचायत का फुल सीज़न देखने लायक है बिल्कुल। तो यह बात, बहुत बातें कर ली है। तो चलिए, यहाँ पे मेरे घर के पास में, मेरे घर के सामने सब जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या बातें करूँ। मतलब जब ये लोग बंद कर रहे हैं आवाज़ करना तब मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। यह है बात। ये जो ऑटो वाले अंकल को आप देख रहे हो ये हमारे जान पहचान के हैं, हम पहचानते हैं इनको, मतलब मैं पहचानती हूँ। तो अंकल को बुला लिया था और मैं मैंगो खरीदने गई थी, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैंगो मिलते हैं अंकल ने बोला, और वही खुद चुन चुन के मैंगो निकाल के मेरे लिए रेडी कर रहे हैं। सो चलिए कुछ मैंगोज खरीद लेते हैं, मैंगो का मौसम है, बट घर चलते हैं, घर जाके आपसे मिलती हूँ। शाम की 6:30, आप लाइट देख रहे हो, ये लाइट विंडो से आ रही है, यहाँ पे लाइट देख रहे हो, ये जो लाइट आप देख रहे हो ये 6:30 बजे की है, और कोलकाता में इस वक्त अंधेरा हो चुका है और मम्मी लोग सब संध्या आरती करने में बिजी हो गए। मैं इस लाइट में कैसे संध्या आरती करूँ बोलो, देख के लग रहा है संध्या। मैं क्या करती हूँ, हमेशा थोड़ा सा अंधेरा होता है उस वक्त जाके संध्या आरती करती हूँ, 7:45 तो बजी जाता है मेरा, और मम्मी बोलती है तू इतना लेट करती है। मैं क्या करूँ, बाहर थोड़ा सा लाइट डिम होगा तभी जाके वो वाला फील आएगा ना, जैसा देश वैसा भेस, मैं क्या कर सकती इसमें बोलो। बाय द वे आनू गई है 5 बजे साइकिलिंग करने अपने दोस्त के साथ, अभी 6:30 बज चुका है, अभी भी नहीं आने का मन कर रहा है, इसलिए ना ट्रस्ट करो ही मत इस मामले में। क्या करे बच्चे, अभी नेक्स्ट वीक से स्कूल भी शुरू हो जाएगी, कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, बेचारी ऐसे मायूस सी शक्ल लेके मेरे सामने आ जाती है। हमारा फेमस इवनिंग स्नैक्स मुरमुरा, अच्छे से इसको प्याज व्याज डाल के बनाया है, और साथ में प्याज के पकोड़े मतलब प्याजी। हेलो, वेलकम बैक टू दी चैनल, आज है नेक्स्ट डे। कल वीडियो को उसके बाद से कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया था, फिर बाद में आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि आज सुबह सुबह उठ के रत्ना ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया कि वो नहीं आ पाएगी। बस सुबह 7:00 बजे से मैं लग पड़ी क्योंकि आज हमारा मतलब एक ओरिएंटेशन था, पेरेंट टीचर ओरिएंटेशन, तो वो सब अभी देखो कुछ हो ना हो हमें तो जाना तो पड़ेगा ही, ये एक रूल है, तो हम वहाँ पे गए थे तो अभी अभी जस्ट वापस आए हैं। तो मैंने सोचा सब काम करके गुड़ के जाती हूँ, खाना बनाया, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ करके कंप्लीट करके विद इन 11:00 मुझे जाना पड़ा, उनके साथ ही गई थी तो जस्ट अभी अभी वापस आई। हाँ, आज एक गुड न्यूज़ भी है, आज मतलब महीनों बाद हमारे घर में कोई आ रहे, ठीक है आप उससे मिल चुके हो, बहुत बार यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन मैडम बस आनू की एग्ज़ाम के लिए वेट कर रही थी, अभी एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, अभी मैडम को टाइम मिला है आने के लिए, सो मैडम आ रही है, ठीक है, जस्ट उसने कॉल किया है शायद। आना दीदी कॉल करे थे, हाँ तो अभी अभी उसका कॉल भी आया था, वो ऑटो में चढ़ गई है, अभी अभी जस्ट आ रही है, बस 15 to 20 मिनट्स आ जाए।
चलिए तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने खाने में क्या क्या बनाया है आज। वैसे आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे तो हम वेज खाते हैं, तो सब वेज खाना बनाया। और वो ना वेज खाना पसंद करती है, बोलती है आपके हाथों का वेज खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली सैटरडे है इसलिए मैंने बनाया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका मेन्यू यहाँ पे है पालक साग, ये सब्जी बड़ी ये सब के साथ बनाया है, थोड़ा सूखा सूखा। ये दाल है उड़द का दाल, ये आलू पोस्तो है उड़द के दाल के साथ आलू पोस्तो, ये सब ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ये हमारे उधर बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये है आलू परवल की एक सब्जी, ये भी थोड़ा ड्राई ड्राई है, आलू ने जो ना ग्रेवी खींच लेता है। और ये छोला दाल मतलब चना दाल है जो मैंने रात के लिए बनाया है, रात को पूरी बनाऊंगी इसलिए। जल्दी जल्दी मैं राइस बना के गई थी, हाँ राइस बन चुका है। ओके तो यहाँ पे मैंने खीर बनाया है, गुड़ेड पायस मतलब नोलेन गुड़ मेरे पास रखा हुआ था उसी से खीर बना लिया है। तो ये भी गरम गरम बना के गई थी ना, ये भी जम चुका है, उसको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा खीर बनाती हूँ। और हमारे बंगाली घरों में चटनी मस्ट होता है, मतलब खाने के बाद हम चटनी ज़रूर खाते हैं, आम का, टमाटर का, इमली का, ठीक है। ये आम सत्तू एंड टमाटर से बना हुआ है। अभी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर अंधेरा छा गया है, आपको समझ में आ रहा है, बाहर क्लाउडी है मौसम। सो मैं झटपट झटपट करके फ्रेश हो जाऊंगी। करो ना একটা কুচু মুচু, কতদিন পরে এলেন আপনি? আমি 4-5 মাস পর। হ্যাঁ, আফটার 4-5 মান্থস দিদি আই হ্যাড। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আইয়া খুদ পে নেই আগে, জব তো অটো মে বেঠেগি পৌঁছেগি ফির মে বিশ্বাস করুন। হ্যাঁ তো অটো মে বলো তুই এসে গেছিস, তুমি দেখলাম তুই আসিস নি। বলছি এখনো আসিছিল না? না, এই যে ওরিয়েন্টেশনে গেছিল, তারপর আমি তো ঢুকে গেছি ও একটু পরে। আরে অটো দুবার ক্যান্সেল হয়ে গেছে। হ্যাপি कितनी सारी बातें जमा कर रखा है उन्होंने दीदी के साथ करने के लिए। बस चलो मैं इधर खाना सर्व करती हूँ, रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद सबको बुला लेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद उड़पी आई है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर मौसम देखो एकदम क्लाउडी, आपको दिख रहा है क्लाउड दिख रहा है, एकदम ब्लैक हो गया है आसमान, गुरुम गुरुम आवाज़ भी आप सुन सकते हो। और ये मैंगोस जो कल मैं लेके आई थी। सो ये लोग अभी रेडी है, ये बॉटल लेके पूरा ब्लैक कप, काला छाता, ब्लैक छाता, ये ले ब्लैक छाता, ब्लैक काला बॉटल। और ये देखो ये भी, तू ये सब पड़ जाबी ना। चलो हम लोग जा रहे हैं घूमने, कहाँ घूमने जा रहे हैं? आई डोंट नो बट वी आर गोइंग। क्या करूँ घर बैठ कर, बाहर बारिश भी हो रही है, झिरी झिरी मतलब धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो सोचा उनके आते हैं कार ड्राइव। आज अनु ने एकदम भी झामेला नहीं किया, पीछे इसलिए बैठ गए क्योंकि आज उसको दीदी के साथ बैठना है, अदरवाइज ना झामेला करके सामने आके बैठ जाती है। अंधेरा हो गया, चलो लेट्स गो। बहुत दिनों के बाद ऐसा बारिश वाला मौसम देख के सच में मन अच्छा हो गया है, जैसा सोचा था उससे कई गुना अच्छा लग रहा है वेदर। और ऐसे मौसम में आप सबको क्या क्या करना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ मुझे पता है सबका नज़रिया अलग अलग होता है, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है पहली बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू लेना और उसको महसूस करना। पूरा दिन घूमने के बाद अभी हम लोग आए हैं, अभी हम लोग आए हैं कुछ खाना खाने, एक्चुअली मोबाइल में चार्ज नहीं था, हमने देखा ही नहीं, जो है इसको गाड़ी में चार्ज में दिया था। ये थोड़ा ऐसे ही घूम फिर के लॉन्ग ड्राइव में गए थे दिल्ली एयरपोर्ट, और अभी हम जो है जा रहे हैं पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा खाबो ना, गार्लिक বলছে এখানে বসতে হবে না, এখানে দিদি আর আমি বসবো। না না আমি এখানে ঘুরতে গেছি ওর পাশে, বলছে না না এখানে দিদি আর আমি বসবো। ওকে চলো আজকে আমরা কি খাবো বলো,
क्या खाएंगे आज? क्या खाएंगे रात को? और मैंने बनाया है टैटू, ना प्यारा टैटू है। नहीं किया मैंने, क्लीन रात क्लीन करता हूँ ना। स्पिरिचुअल है। यस। तो अभी हम खाएंगे पिज़्ज़ा। हाँ, दादा ने बोला उसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मैं लेके आऊँगा वो खाएगी। हाँ, ठीक है। तो पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड बोथ। अब अच्छा है। सुबह एकदम नींद से उठी और उसने चकमा नहीं दिया। आज घूम भी लिया, हल्का फुल्का लॉन्ग ड्राइव। वेदर अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा। चलिए घर जाके मिलेंगे आपसे पिज्जा खाने के लिए। तैयारी नहीं हो रहा है हमारा भैया, बहुत कुछ ला दिए। चलो बाय बाय पिज्जा हट। बहुत बारिश शुरू हो गई थी, हम भीगते भीगते गाड़ी में चढ़े हैं। मजा आ गया। हम तो कितना प्लान करते हैं एक दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, लेकिन देखना अब कभी कभी एक साधा सीधा सिंपल डे भी चुपचाप यादगार बन जाती है और हमें सोचने का मौका ही नहीं देता। कुछ ऐसे ही आज का ये छोटा सा ट्रिप भी हमारे लिए एक बहुत मेमोरेबल ट्रिप बन चुका है। ऊपर से ये बैंगलोर रेन बहुत फेमस है, महीनों इंतजार करना पड़ता है इसके लिए। आप सोच रहे हो ना बाहर पिज्जा वुजा खा के आके इधर फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? इधर पूरी बन रहा है। एक बार मैंने बोला था आज पूरी और छोला दाल मतलब चना दाल बनेगा, बस वो कान में सुन लिया सबने और बोला भले ही कम खाएंगे लेकिन खाएंगे जरूर। ये बहुत अच्छा लगता है सबको। बस और क्या, कुछ इस तरह से आज का दिन स्पेंड हुआ बहुत हंसी मजाक और मस्ती के साथ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। बंद कर, ये सब फूले फूले है और ये तो एकदम चपटा बन गया, पता नहीं क्या मेरे हाथ जैसा। ए तो चलिए आज के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं, आपसे कल मिलेंगे नए ब्लॉग।